हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे अध्याय तीसरा, जो कि हमारा क्रिया शारीर है। क्रिया शारीर का है, फिजियोलॉजी का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हमने दोष धातु और उपधातु के बारे में बात कर ली है। तो जिन्होंने दोष धातु और उपधातु की वीडियो नहीं देखी, वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकता है, या हमारी प्लेलिस्ट पे जाके क्रिया शारीर की वीडियोस देख सकता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मल के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे मल के बारे में, मल के परिचय क्या है, मल के भेद के बारे में बात करेंगे और धातु के मल के बारे में बात करेंगे। तो ये आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मल क्या होता है। तो एक छोटे से कोटेशन के फॉर्म में हम जानते हैं कि मल क्या होता है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु एवं मल शरीर के मूल हैं। दोष एवं धातु के पश्चात आयुर्वेदी आचार्यों ने मल की गणना की है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप लिख सकते हैं, अगर मल के बारे में पूछता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु और मल जो है ये शरीर के मूल कहलाते हैं। दोष और धातु की हमने बात कर ली, अब हम मल के बारे में बात करते हैं। सारंगधर ने मल शब्द की व्युत्पत्ति, ये व्युत्पत्ति है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्या बताई है सारंगधर ने, मलिनीकरणान मला, अर्थात इसका ये अर्थ होता है कि जो शरीर को मलिन करे उसे हम मल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है मलिनीकरणान मला, तो जो शरीर को मलिनी मलिन करे, ये मलिनी जो आया है वो मलिन से आया है, मलिन। तो जो शरीर को मलिन करे उसे हम मल कहते हैं, ठीक है। तो आचार्य सारंगधर की ये व्युत्पत्ति याद रखिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो आपको परीक्षा में लिखने में या क्वेश्चन पेपर में आंसर देने में हेल्पफुल रहेगा, क्या है कि आहार का पचित अवशेष किट भाग जो पकवासे में से वायु की सहायता से तीन वलियों द्वारा बाहर निकलता है वह भी मल कहलाता है, तथा इसी को पुरीस कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम पुरीस या फेसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मल हो गया। तो जब जो आहार हम खाते हैं जब उसका पाचन हो जाता है, पाचन के बाद जो किट भाग बचता है वो पकवासे से गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम पुरीस कहते हैं, इसी को हम मल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक प्रकार का मल हो गया। अब हम जानते हैं कि मल के भेद कितने होते हैं या मल की संख्या। तो मल की संख्या जो है वो तीन होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, तीन होती है। मल के भेद देख लेते हैं। तो मल के भेद ये श्लोक से माध्यम से आप श्लोक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमेशा याद रहेगा, हमेशा पूछा जाता है। तो मला मूत्र सकृत स्वेदादियो अपीचा, इसमें अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो मला मतलब मल जो है वो मूत्र है, सकृत है, सकृत मतलब पुरीस, और स्वेद अपीचा। तो तीन प्रकार के मल होते हैं, मल मूत्र सकृत और स्वेद, ठीक है। मूत्र सकृत मतलब पुरीस और स्वेद। स्वेद जो होता है वो पसीना, जिसको हम कहते हैं, जो पसीना होता है उसे हम स्वेद कहते हैं। सकृत आपको पुरीस या फेसेस बोलते हैं, और मूत्र आपका यूरिन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के या तीन भेद हैं मल के, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हम धातुओं के मल के बारे में। धातुओं के मल कौन कौन से हैं। तो अष्टांग हृदयकार ने धातु मल का वर्णन निम्नवत प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने रस धातु का मल क्या बताया है, कफ बताया है। रस धातु का जो हमारी रस धातु है उसका मल कफ बताया है, जबकि जो रस धातु का उपधातु बताया था वो क्या था, आप कमेंट में बताइएगा, रस धातु का उपधातु क्या है, ठीक है। उपधातु, रस धातु की उपधातु क्या है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था रस धातु की उपधातु। रक्त का पित्त होता है, रक्त का जो मल है वो पित्त होता है।
मांस का जो मल होता है वो खमल होता है, मेद का स्वेद होता है, अस्थि का नख होता है, और रोम होता है मज्जा का नेत्र स्थे और शुक्र का ओज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कौन कौन सा मल होता है। रस का आपका मल कौन सा होता है, कफ होता है, रक्त का पित्त होता है, मांस का खमल होता है, मेद का स्वेद होता है, अस्थि का नख और रोम होता है, मज्जा का नेत्र मल होता है, और त्वक स्नेह और शुक्र का ओज होता है। तो हमने सातों धातुओं के मल के बारे में बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न आचार्यों के द्वारा भी बताया गया, जैसे सुश्रुत के बारे में सुश्रुत ने भी बताया है, और धातुओं का मल चरक ने भी बताया और सारंगद ने बताया। तो आप वैसे तो सब सेम है, कुछ अलग इन्होंने भी रस का कफ बताया, रक्त का पित्त बताया, मांस का खमल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख और रोम, मज्जा का नेत्र और त्वकमल, शुक्र का नहीं बताया इन्होंने, अष्टांग संग्रह ने भी नहीं बताया, चरक ने भी नहीं बताया। सारंगण ने युवावस्था में मुख की जो पीड़िकाएँ होती हैं, जो एक्ने निकलता है मुहासे जिसको कहते हैं, उन्होंने सारंगण ने एक्ने को बताया है शुक्र का मल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये ध्यान में रखिएगा कि सारंगण ने कौन सा मल बताया है शुक्र का, तो युवावस्था में मुख की पीड़िकाएँ बताए हैं, जबकि सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और चरक ने शुक्र का मल नहीं बताया, बाकी ने सब सेम बताया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट में कर सकते हैं अपना डाउट क्लियर, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका डाउट क्लियर हो सकता है। इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, इस वीडियो की PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमें स्टूडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।